हेलो एवरीवन। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में अपन लिक्विडिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि लिक्विडिटी क्या होती है, लिक्विडिटी बेस पे आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं, एंड लिक्विडिटी के अपन कुछ फंडामेंटल जानने वाले हैं। ठीक है, तो आपके सामने मैं अभी एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँगा। ठीक है, इस स्ट्रक्चर में आपको कुछ चीज़ें और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, सपोज करिए कि मार्केट डाउन से अपसाइड जाता है, एंड मार्केट करेक्शन करने के लिए थोड़ा सा नीचे आ जाए। अगेन मार्केट क्या करता है, अपसाइड जाता है। ठीक है, एंड करेक्शन करने के लिए मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है। मार्केट सेम सिनेरियो करता है, अगेन वापस अपसाइड जाता है, एंड करेक्शन करने के लिए मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है। फिर मार्केट यही सिनेरियो जो है बार बार रिपीट करता है इसी सेम डायरेक्शन में। अब एक टाइम आने के बाद मार्केट क्या करता है, थोड़ा सा अपने रिसेंट वाले लो को ब्रेक कर देता है, देन इस तरह कुछ डाउन गिरना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब इस केस में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्ट्रक्चर यहां पे ड्रॉ करूंगा। ठीक है, अगर आपको नहीं मालूम कि स्ट्रक्चर ड्रॉ कैसे होता है, क्या इसका फंडामेंटल है, एंड कैसे आप इस पे ट्रेड ले सकते हैं, तो मैंने एक वीडियो डाला हुआ है मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसे मैंने उस पे स्ट्रक्चर मैपिंग के बारे में सारी चीज़ें बता रखी है। ठीक है, तो वो वीडियो जाके आप चेक कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन स्टार्ट करते हैं। तो मार्केट जब भी आपका बाई साइड में जाता है, ठीक है, मार्केट यहाँ से आपका बाई साइड में जाना स्टार्ट हुआ, एंड देन मार्केट डाउन आया, अगेन मार्केट बाई साइड में गया। अब मार्केट ने ये जो लेफ्ट वाला जो टॉप है इसको मार्केट ब्रेक करता है। ठीक है, जब इसको मार्केट ब्रेक करता है विदाउट एनी लो टच किए हुए, यानी कि जैसे सपोज करिए 1 आवर टाइम फ्रेम पे, अपन 13 मिनट टाइम फ्रेम पे कुछ इस तरीके का मार्केट को यहाँ पे स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अब देखिए, मार्केट अगर इस लो को ले लेता तो अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता। ठीक है, सेम डायरेक्शन में, लेकिन मार्केट ने क्या किया, उसी डायरेक्शन में अपनी लिक्विडिटी नहीं लिया मार्केट ने। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा कि अपन इसको जो है यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर रियल वाला नहीं बोलेंगे। हालांकि ये ब्रेक तो है, बट रियल के लिए कुछ अलग केस होता है। ठीक है, बट मैं आपको समझा रहा हूँ, तो आप सपोज करना कि आपका एक बार बॉस हो गया, यानी कि इस साइड में मार्केट जा रहा है, तो ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। मार्केट ने इंटरनल में यहाँ पे कोई लिक्विडिटी ली है। ठीक है, देन उसके बाद मार्केट क्या करता है, अप जाता है, एंड अप जाने के बाद वापस मार्केट डाउन आता है। ठीक है, सेम सिनेरियो मार्केट करता है। ठीक है, अगेन एंड अगेन ये क्या होती है, ये होती है लिक्विडिटी जिसको लेने के लिए मार्केट आता है। सेम चीज मार्केट क्या करता है, यहां पे रिपीट करता है। ठीक है, एंड मार्केट क्या करता है, अगेन रिपीट करता है यही वाली चीज यहां पे। तो अब आप समझने का ट्राई करना, मैं कहना क्या चाहता हूं यहाँ पे कि आपका मार्केट क्या होता है कि एक चीज करने के बाद दूसरी चीज को ब्रेक करने के लिए आता है। मतलब यहां से आपका मार्केट स्टार्ट हुआ और यहाँ पे मार्केट हाई तक गया, देन कुछ टाइम बाद फिर रिवर्स आ गया, फिर मार्केट हाई तक जाता है एंड कुछ टाइम बाद रिवर्स आ जाता है, फिर कुछ टाइम बाद हाई पे जाता है एंड रिवर्स आ जाता है। मार्केट बार बार अप जाके कुछ टाइम बाद वापस डाउन आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप समझना जो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मार्केट ये क्यों कर रहा है, आखिरकार मार्केट को करने का क्या रिक्वायरमेंट हुआ इसका। तो इसका रिक्वायरमेंट ऐसे हुआ कि यहाँ पे कुछ ना कुछ एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक या बैकएंड में हडल था। ठीक है, जिस हडल को लेने के बाद मार्केट क्या हुआ, यहाँ से फिर नीचे आ गया। ठीक है, जो पीछे वाले जोन से उनको लेने के बाद में, ये चीज मार्केट बार 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 रिपीट करता रहेगा काफी लॉन्ग टाइम तक। ठीक है, अब यहां पे समझना, अब मान लीजिए मैं सबसे पहले आपको यहां पे बताता हूं बॉस। कि बोथ साइड की जो लिक्विडिटी की होती है उसको कैसे ग्रेप कर सकते हैं, उसको मार्केट कैसे लेके जाएगा, एंड कैसे आप उस पर ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि इधर यहां पे एक कैंडल बना रहा हूं मैं, ये कैंडल है। ठीक है, यहां तक ये एक कैंडल मैंने बनाई, एंड इस कैंडल का जो हाई है वो ये रहा, मैं मार्क कर देता हूं।
ठीक है। अब देखिए ये मार्केट क्या हुआ, चाहे पहले इधर कैसा भी रहा हो अपने को उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन अपना मार्केट अप जा रहा है तो अपन ने एक जोन ड्रॉ किया जहां पे अपना मार्केट का एक हर्डल लेके डाउन आया यहाँ से। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जो अब आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको मैं पढ़ा रहा हूँ लिक्विडिटी वाला चैप्टर, ठीक है। तो इस ऑर्डर ब्लॉक को थोड़ी सी देर के लिए अपन साइड कर देते हैं, ठीक है, समझाने के लिए कि ये एक कैंडल बनी हुई है। मार्केट क्या होगा, जब भी पीछे वाले हाई के पास मार्केट जाएगा, ठीक है, हाई पे जाने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ एक कैंडल होगी, यहाँ पे भी एक कैंडल होगी जो बनेगी कुछ टाइम बाद, ठीक है। जैसे यहाँ पे कोई कैंडल बनती है ये इस तरीके से, इस हाई की बात कर रहा हूँ मैं। देन मार्केट क्या करता है कि पीछे वाले हाई की लिक्विडिटी लेने के बाद में, ठीक है, मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट होता है। तो इस लिक्विडिटी पे चाहिए ग्रीन कैंडल हो, चाहिए रेड कैंडल हो, चाहिए किसी भी टाइप की कैंडल हो, आप डायरेक्ट यहाँ से सेल की एंट्री प्लेस कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। और जो रीसेंट वाला लो होगा वहां तक आप इसका टीपी रख सकते हैं। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है। सेम चीज आप इधर करने वाले हैं, ठीक है, सेम चीज यहाँ पे होगी, सेम यहाँ पे होगा। मार्केट क्या करेगा, सपोज करिए यहाँ तक गया ही नहीं आपका मार्केट, ठीक है, यहीं से मार्केट क्या करता है, हल्का सा आया एंड देन रिवर्स हो गया कुछ इस तरीके से। तो मार्केट ने क्या किया, सेकंड केस इक्वल लिक्विडिटी लेके मार्केट रिवर्स हो गया है यहाँ से, ठीक है, इसको इक्वल लिक्विडिटी बोलते हैं अपन। ये आपका इक्वल लिक्विडिटी हो गया, क्यों, क्योंकि मार्केट इक्वल लिक्विडिटी लिया एंड देन उसके बाद यहां से मार्केट ड्रॉ डाउन हो गया, ठीक है, ये केस हो गया। अब जब मार्केट इक्वल लिक्विडिटी लेके मार्केट नीचे जाता है तो ये वाला जो जोन होगा ये आपका कहलाएगा क्या, आईडीएम, ठीक है। मैं भी चार्ट पे सारी चीजें क्लियर कर दूंगा ओनली लिक्विडिटी के केस में। अब मार्केट यहाँ से थोड़ा सा नीचे आता है, अब यहाँ पे एक कैंडल बनी हुई है कुछ इस तरीके से, बहुत ज्यादा हो गया है ये, कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये कैंडल बनी हुई है, ठीक है, ये कैंडल है यहाँ पे और इस कैंडल का जो लो है वो कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब अगेन मार्केट क्या करता है, यहाँ पे एक कैंडल ड्रॉ करता है, ठीक है। अब जो मार्केट ये कैंडल ड्रॉ करेगा तो उस टाइम पे मार्केट क्या करेगा, ये कैंडल ड्रॉ करने के बाद मार्केट ने यहाँ पे ये जो कैंडल है इस कैंडल का विग ब्रेक कर दिया मार्केट ने, ये हल्का सा विग ब्रेक कर दिया, इक्वल विग, ठीक है, इक्वल विग मार्केट ने ब्रेक कर दिया, या आप इसको शिफ्ट बोल सकते हैं, ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पे। EQL का मतलब है इक्वल शिफ्ट, मैं लिख दिया इक्वल शिफ्ट हुआ है यहां पे मार्केट। तो जब भी ऐसी कैंडल बनेगी तो उस टाइम पे आपको क्या करना है कि जहां पे भी कैंडल क्लोज हो सकता है बाई साइड वाली कैंडल हो या सेल साइड, जहां पे मार्केट की ने कैंडल क्लोज की वहां पे, और जो नियरेस्ट कैंडल क्लोज का लो था वहां पे आपको रखना है, एंड देन जो रिसेंट वाला हाई होगा वहां तक आपका टीपी होगा। डायरेक्ट एंट्री होती है, अगर एसएल उड़ता है कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं आपको डायरेक्ट एंट्रीज पढ़ा रहा हूँ सारा जो भी पढ़ा रहा हूँ इसमें, ठीक है, ओनली लिक्विडिटी पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, ये समझिए आप, ठीक है। तो मैंने आपको दो तीन तरह की लिक्विडिटी बता दी यहाँ पे, कोई भी कैंडल क्लोज नहीं बोला मैंने, कुछ नहीं बोला, ओनली विक टू विक एंट्रीज पढ़ाई मैंने आपको यहाँ पे, ठीक है। तो जो विक टू विक एंट्रीज होती है वो कैसे काम करती है, क्या पैटर्न होता है, क्या फंडामेंटल्स होते हैं उनके, वो सारा कुछ भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज में और क्लियर करूंगा, ठीक है। अब आपका मार्केट क्या हुआ यहाँ तक गया, अब इस लिक्विडिटी को अपन समझते हैं कि इस लिक्विडिटी में क्या होता है, ठीक है। यहां पे क्या हुआ, मार्केट इस जोन में आया, ठीक है, और नेक्स्ट क्या हुआ, मार्केट इस जोन के अंदर आया, ठीक है। अब समझिए यहां पे एक एफवीजी यानी कि फेयर वैल्यू गैप है। अब फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, अगर आपने नहीं पढ़ा कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको भी आगे वाले वीडियो में डिस्कशंस करेंगे अपन सारी चीजों को लेके। यहां पे है एफवीजी, एफवीजी का मतलब है फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप। जब मार्केट क्या करता है, फेयर वैल्यू गैप के अंदर आता है एंड देन मार्केट यहाँ पे क्या करता है, एक कुछ इस तरीके से कैंडल बनाता है अपनी, ठीक है,
ये मार्केट ने अपनी यहाँ पे कैंडल बनाई। अब मार्केट क्या करता है, अपनी जो फर्स्ट कैंडल है वो डायरेक्ट विग मारती है जोन के अंदर। तो अगर विग मार के जोन के अंदर मार्केट जो कैंडल है वो अपसाइड क्लोज करे या डाउनसाइड यानी कि जोन में क्लोज ना करे, तो उस टाइम पे जिधर से मार्केट आया उधर आपको फिर से एक एंट्री प्लॉट कर देनी है। आया समझ में? तो ये इसका नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, नेक्स्ट लिक्विडिटी एंट्री रहेगी, ये आप डायरेक्ट प्लॉटिंग कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपकी हो गई फिफ्थ एंट्री। पहली एंट्री यहाँ बताई, दूसरी, तीसरी, चौथी एंड पांचवी ये रही, एंड छठी एंट्री ये रही। ठीक है, अब पढ़ेंगे अपन 7 नंबर एंट्री। अब इस एंट्री में क्या होगा, सपोज करना आपका मार्केट ने यहाँ पे हाई लगाया। ठीक है, अब ये जो हाई लगाया मार्केट ने ये लगाया लिक्विडिटी का, लेकिन मार्केट ने कैंडल कहाँ पे क्लोज की, मार्केट की जो कैंडल हुई यहाँ पे क्लोज हुई। ठीक है, ये मार्केट ने क्या किया, विग लगाया अपना। ये किधर भी विग लगा सकता है, ओनली विक्स एंट्री की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे भी मार्केट ने क्लोज नहीं किया, यहाँ से कोई भी कैंडल क्लोज नहीं हो रही है इस पॉइंट से यहाँ तक। तो मार्केट जैसे इसका विग लगाएगा आप यहाँ से एक सेल साइड में एंट्री ले सकते हैं। आया समझ में? तो इस तरह आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, सेल की एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो आपका यहाँ पे क्या होगा कि मार्केट जो है विक्स के माध्यम से एंट्री लेगा। ठीक है, अब आपको कुछ चीजें मैं जो है चार्ट पे ले चल के समझाता हूँ जिससे कि आपकी काफी और चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ये यूरो यूएसडी का 1 आवर का चार्ट है। ठीक है, इसी पे अपन सारी चीजें यहीं से इंप्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं जहां से अपने को मिलना स्टार्ट होती है। ठीक है, तो सबसे पहले इस डाउन पॉइंट को अपन पकड़ेंगे। मार्केट ने क्या किया, ये देखिए यहाँ पे एक छोटी सी विग मारी, कैंडल क्लोज नहीं की, ओनली विक्स की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे विग मारा। ठीक है, एंड देन मार्केट क्या हो गया, अप जाके क्लोज हो गया यहाँ पे, तो ये आईडीएम हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए और विक्स की बात करते कहाँ पे है, ये देखिए यहाँ पे पुल बैक था, यहाँ पे मार्केट ने एंट्री मारी। ठीक है, मार्केट ने डायरेक्ट अप क्लोज किया, आपको बाई साइड ले लेना यहाँ से। ठीक है, ये कुछ चीजें जहां पे आपको देखने को मिलेगी ये सारी चीजें। उसके बाद मार्केट डाउन आता है। अब आप बोलोगे यहाँ पे भी होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे कुछ लिक्विडिटी के लिए कुछ दिखे भी तो सही ना, यहाँ पे ना तो ऑर्डर ब्लॉक है ना ऑर्डर फ्लो, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अब इस जगह से अगर मार्केट कभी करता है तो, या इस जगह से कभी करता है तो नेक्स्ट टाइम पॉसिबिलिटी होगी अपने पास में, बट यहाँ से नहीं करता। बट मार्केट क्या करता है, यहाँ पे देखिए आया मार्केट एंड देन इक्वल लो लगाया। ठीक है, इक्वल लो लगाने के बाद आप यहां से फिर बाई साइड एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, ये देखिए मार्केट यहां तक गया। ठीक है, डाउन गया कुछ टाइम बाद, डाउन जाने के बाद मार्केट ने क्या किया, डाउन आया फिर अगेन वहां पे विग मारी और यहाँ पे कैंडल स्टिक पैटर्न आपको देखने को मिला, तो आप यहाँ से सेल की एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, फिर मार्केट अप गया। ठीक है, अप जाने के बाद अब आप देखिए ड्रॉ कर लो इसको, तो मार्केट ने यहाँ क्या किया, विग मारा, विग मारने का जस्ट ऊपर बाद थोड़ा सा फिर विग मारा, फिर नीचे आ गया पूरा का पूरा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी एंट्रीज काम करती है। लिक्विडिटी बेस प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी होगी आपको, ऐसा नहीं कि काम नहीं करती है। देखो ये सारी लिक्विडिटीज काम करेगी, अगर आपको कराना आता है इनको अच्छे से, तो सारा इक्वल हाई इक्वल लो एंट्रीज होती है सारी काम करेगी। ठीक है, इस तरीके से आप इन एंट्रीज पे ट्रेड ले सकते। देखिए यहाँ पे ये कैंडल आई, इसने फर्स्ट हाई तक प्रॉफिट दिया। ठीक है, एंड देन यहाँ पे क्या है कि ये जो पॉइंट है यहाँ से मार्केट ने अप कैंडल क्लोज नहीं की, फिर डायरेक्ट नीचे आ गया। आने के बाद ये देखो यहाँ से इसने फिर क्लोजिंग नहीं दी, फिर यहाँ से आप बाई ले लो। ठीक है, बाई लेने के बाद क्या हुआ, यहाँ से मार्केट आया, फिर आने के बाद मार्केट ने नीचे क्लोज किया यहाँ तक, ये कैंडल 1 आवर पे। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली अगर आप काउंट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 100 पॉइंट यानी 10 से 20 पिप का आपका यहाँ पे टारगेट देखेगा। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे नहीं आया, इसके ऊपर देखिए मार्केट ने कैंडल क्लोज नहीं की, उसके ऊपर विग मारी जो कि पीओआई जोन होता है, यहाँ से भी आप सेल ले सकते हैं। ठीक है, चलो कोई ना, आपको ये भी एंट्री पकड़ में नहीं आती है। उसके बाद और कुछ है यहाँ पे, और तो कहीं भी नहीं आ रही है अभी तक मार्केट। ये देखो ये आप इसको ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लोगे, ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर पीओआई है, तो यहाँ पर जस्ट मार्केट ने क्या किया, पीओआई के ऊपर टैप किया एंड देन पीओआई को करने के बाद इसको इक्वल बना डाला इसने। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल आप एंट्री ले सकते हैं।
ठीक है, ये कुछ एंट्री है, इसी तरह आपको ढूंढनी होगी, प्रैक्टिस करनी होगी सारी चीज़ों पे। ये ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पे लेंगे आप एंट्री। मैंने बताया जैसा ऑर्डर ब्लॉक के अंदर अगर मार्केट कैंडल क्लोज ना करें तो आप वहाँ से डायरेक्ट सेल एंट्री प्लॉट कर सकते हैं अपनी, लाइक दैट। ठीक है, यहाँ से आप सेल कर सकते हैं। ठीक है, और कहीं पे भी नहीं है अभी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे छोटी सी एंट्री है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, विग मारी थी, यहाँ पे मार्केट ने फिर विग मारी, डाउन आ गया मार्केट। ठीक है, इस तरीके से आप इनकी प्लॉटिंग देख सकते हैं कि मार्केट कैसे क्या कर रहा है सारी चीज़ें। यहाँ पे देखिए मार्केट अप गया, डाउन आया, फिर इसने एक विग मारी एंड देन डाउन आ गया पूरा। फिर यहाँ पे मार्केट, ये तो कैंडल क्लोज कर दिया, ये अलग केस हो गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक देखिए मार्केट ने पूरा विग मारा यहाँ पे, बट ये थोड़ा सा सस्टेन किया, 20 से 25 पॉइंट फिर डाउन आ गया मार्केट। उस तरह आप एंट्री ले सकते हैं, जैसे ये मैंने ड्रॉ किया हुआ है पहले, यहाँ से मार्केट गया अप गया। ठीक है, लिक्विडिटी है, यहाँ पे मार्केट ने लगाई लिक्विडिटी, पूरा मार्केट डाउन, फिर यहाँ से लगाए, फिर मार्केट अप। तो अप एंड डाउन का खेल चलता रहेगा। इसमें आपको प्रॉपर तरीके से चीज़ें देखनी है, प्रैक्टिस करनी है, देन द बहुत इजीली आ जाएगी और बहुत मज़ा आएगा आपको ट्रेड लेने में। जैसे ये सारा ट्रेड्स का देखिए कैसे कैसे डायरेक्ट एंट्रीज है, इस तरीके से आप इनको प्लान कर सकते हैं। जैसे यहाँ से ये लिक्विडिटी लिए मार्केट ने, ठीक है, ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी है लास्ट वाली, इस तरह एंट्री लिए। ठीक है, ये मार्केट ने एंट्री लगाई और करंटली मेरा जो ट्रेड है, एक ट्रेड यहाँ पे चल भी रहा है अभी इस टाइम जोन के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे मैंने एंट्री लगाई थी डायरेक्ट वही पैटर्न देख के। ठीक है, ये एंट्री चल रही है, एक एंट्री मेरी करंटली यहाँ पे चल रही है। अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम के ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, वो डिस्क्रिप्शन से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारी एंट्री वगैरह जो मैं लेता हूँ वहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है, आप लोगों के लिए, ताकि आप भी ले लें, मैं भी डाल देता हूँ। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, लिक्विडिटी बेस पे एंट्री लेंगे सारी चीज़ों की। ठीक है, एक छोटी सी एंट्री मैंने ये भी ली थी, ये भी मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने डाला हुआ है, क्यों ली, कैसे ली, सारी चीज़ें। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि लिक्विडिटी बेस पे आप कैसे एंट्री ले सकते हैं, ऑर्डर ब्लॉक हो चाहे कोई सा भी जोन हो, सभी जोन्स के अंदर। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्दी अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।